हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल। तो आज दिन में मैंने एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था फिजिक्स में आपको कौन से क्वेश्चन है जो चैलेंज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, क्वेश्चन का आईडी मेरे को नहीं पता, पर जो क्वेश्चन है जिसमें सीपी अपॉन सीवी की वैल्यू पूछी है, जिसमें आपको नियॉन आर्गन H2 और H2 दिया है, तो उसका गामा आपसे पूछा है। तो जो नियॉन है और जो आर्गन है वो सेम ग्रुप के हो गए, मोनो एटॉमिक हो गए, तो दोनों के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो सेम होता है, उनका गामा सेम आएगा। उसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो एक दिया हुआ है डी, तो वो दोनों जो ऑप्शन है उसमें क्योंकि जो पहले दो हैं नियॉन और आर्गन दोनों के लिए सेम वैल्यू जाएगी, तो वहां पर कुछ गड़बड़ है, तो वो आप चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आप चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, जियो फिजिक्स में बात कर लेते हैं। तो जियो फिजिक्स के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं बच्चों के पास। जियो फिजिक्स में केवल और केवल दो कॉलेज है, एक है बीएचयू, एक है बीएचयू और एक है पांडिचेरी। दो यूनिवर्सिटी है, एक है बीएचयू और एक है पांडिचेरी। बीएचयू में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो है 42, जिसमें से भी 25% जो है वो बीएचयू ग्रेजुएट्स के लिए चली जाएगी, बीएचयू ग्रेजुएट्स के लिए, यानी कि लगभग 10 सीट्स जो है वो बीएचयू ग्रेजुएट्स के लिए होगी। तो इनका तो खुद से ही जो है कॉम्पिटिशन रहेगा, जो बीएचयू से बीएससी कर रहा होगा जियो फिजिक्स में उनसे ही कॉम्पिटिशन रहेगा, तो इनकी कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाएगी। जो बीएचयू से ग्रेजुएट होंगे तो इनकी तो 130 के आसपास भी इनका हो जाना चाहिए। अब इन 10 सीटों में इनकी लड़ाई रहेगी, 130 के आसपास से भी कम होंगे तो भी वो ये हो जाए चाहिए। 42 में से 32 सीट्स जो हैं वो नॉन बीएचयू के लिए हो जाएंगी, और पांडिचेरी में टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 10, टोटल 42 सीट्स हैं कुल मिलाकर। जियो फिजिक्स की अगर बात की जाए, उन 10 सीटों को हटा दो जो बीएचयू ग्रेजुएट्स के लिए चले जाए। अच्छा, अब जो ये 42 सीट्स हैं इन पर क्या रह सकता है, तो जब 400 का पेपर आता था तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 184 पर बीएचयू जनरल में आ जाता था, और भी कट ऑफ गिरते गिरते 174-176 तक आ जाता था लास्ट, है ना। तो अगर मैं इस बार की बात करूं कि जनरल में कितने पे चला जाना चाहिए, तो जनरल में 145 प्लस पर आपको अप्लाई करना चाहिए बीएचयू, 145 प्लस पर जनरल, जनरल में 145 से 150 की रेंज में आपको जनरल में मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए बीएचयू। और अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में 140 और ईडब्ल्यूएस में ये आपको आ जाएगा आराम से, ईडब्ल्यूएस में 130 और उससे भी कम 128 तक भी आ जाएगा ईडब्ल्यूएस। नहीं, अगर मैं पांडिचेरी की बात करूं तो पांडिचेरी जनरल में 140 के ऊपर पांडिचेरी जनरल में आराम से आएगा। और अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में 125 से लेकर 130 तक, और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 120 से लेकर और 130 तक, ये ओबीसी उसमें ईडब्ल्यूएस में पांडिचेरी में ये आपको जियो फिजिक्स मिल जाना चाहिए। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ज्यादा कुछ तो इसमें मेरे को गलत दिखा नहीं। एक क्वेश्चन नंबर 33 है, ये आप चेक कर लेना। इसमें आपको पूछा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में गड़बड़ है। क्वेश्चन में आपको जो वर्क पोटेंशियल है ना, वर्क पोटेंशियल उसकी वैल्यू गिवन नहीं है। ये नीट का क्वेश्चन है, ये नीट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और वर्क पोटेंशियल की वैल्यू है इसकी 2.2। जब 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर आता है इसका 1.3, जो कि आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर वर्क पोटेंशियल का जो डेटा है वो गिवन नहीं है, गिवन नहीं है तो इसका मतलब ये आंसर चला जाएगा तुम्हारा रॉन्ग, ये रॉन्ग में चला जाएगा, तो इसको चैलेंज करो। ठीक है, मेरे को जियो फिजिक्स में ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला, यही चैलेंज का मिला है। फिजिक्स का मैंने आपको बता दिया, एक और बता दिया, ये क्वेश्चन आप चैलेंज कर लेना, परसों तक आप चैलेंज कर सकते हैं। पर क्वेश्चन 200 आपका जो चैलेंज करने का मुझे लगेगा। जब क्वेश्चन चैलेंज करो तो जो पीडीएफ बनाओगे तो उसमें क्वेश्चन आईडी जरूर मेंशन कर देना, क्वेश्चन आईडी मेंशन कर देना। फिर जब आप उसका सॉल्यूशन बना लो तो क्या क्वेश्चन आईडी जो आंसर आईडी है वो लिख देना जो गिवन है, और जो आप चाहते हो यानी कि आपके अकॉर्डिंग जो आंसर आईडी होनी चाहिए वो भी आप मेंशन कर देना। आपके अकॉर्डिंग अगर कुछ दूसरा ही आंसर है, चारों ही ऑप्शन में से वो आंसर नहीं है, तो उस आंसर को वहां पर मेंशन कर देना और हाईलाइट भी कर देना, वो सुंदर तरीके से काम करना, काटा फिट मत कर। ठीक है, बाकी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। अब कई बच्चों का ये बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मैं सभी मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकता, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, इवन व्हाट्सएप पे भी टेलीग्राम पे भी मैं सबको रिप्लाई नहीं कर सकता, तो उसके लिए मैं कल सुबह 10-11 बजे तक एक वीडियो में अपलोड कर दूंगा, जिसमें आपको ये मैं बता दूंगा मतलब क्या प्रेडिक्शन रह सकते हैं, कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है किस यूनिवर्सिटी की, कितने नंबर पर आपको क्या मिल जाएगा फिजिक्स के अंदर और जियो फिजिक्स के अंदर। जियो फिजिक्स के अंदर बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है, फिजिक्स के अंदर आपको क्या मिल जाएगा,
कितने नंबर पर कौन सी यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी, तो मैं कल 10-11 बजे के आसपास ये वीडियो अपलोड करूंगा, तो उसमें देख लेना। सभी बच्चों का रिप्लाई कर पाना, सभी को आंसर कर पाना मुश्किल है, क्योंकि और भी काम करने होते हैं, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। एंड अगर आपको गुस्सा आता हो तो उसके लिए फिर भी मैं आपसे सॉरी बोलूंगा कि नहीं पॉसिबल हो पाता। जिनका मैं देख लेता हूँ या जिनका मेरे को दिख जाता है तो उनका मैं रिप्लाई कर देता हूँ, वीडियो में बनाऊंगा उसको आप देख लेना, उसके अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन सा मिल सकता है। फिर फाइनल आंसर की आएगी, उसके बाद और करेक्शन होंगे, तो फिर वो धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होती जाती है। तो होपफुली आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कैसे क्वेश्चन चैलेंज करने हैं, कौन से क्वेश्चन चैलेंज करने हैं जियो फिजिक्स में, फिजिक्स में, और चैलेंज करो जब क्वेश्चन तो उसको अच्छे से मेंशन करके चैलेंज करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।